हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हाउस ऑफ एनाबॉलिक्स। मेरा नाम है रियाज खान एंड वी आर बैक विद न्यू वीडियो। आज हम लोग कर रहे हैं एक स्पेशल टॉपिक। तो ये टॉपिक ये है कि हाउ टू चूज राइट ट्रेनर, कैसे पता चले कि जो ट्रेनर आपको मिल रहा है वो स्टेरॉइड्स के बारे में सही से जानता है या नहीं। ये स्पेसिफिकली स्टेरॉइड के लिए कर रहे हैं हम लोग, जनरल ट्रेनर्स की बात नहीं होगी। जो अपने आप को सो कॉल्ड गुरुजी बोलते हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए है ये वीडियो। तो अब आपको कैसे पहचाने कि वो सही है या नहीं है, तो आपको कुछ उनसे बेसिक क्वेश्चंस करने पड़ेंगे जिनसे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, इस बंदे को थोड़ी नॉलेज है या नहीं है, वो आपको क्लियर हो जाएगा। जो जनरली लोग करते नहीं हैं, बस वो गुरुजी के बहाव में बह जाते हैं और उनके बाद वो बह जाते हैं। तो अगर आप नहीं चाहते हो कि आप भी बह जाओ, तो फिर ये सवाल आप ज़रूर पूछ लो। अगर उसको आंसर्स पता है तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ, ये बंदे को थोड़ी सी नॉलेज है, इसके साथ अपनी गाड़ी आगे चल सकती है, अदरवाइज़ बहुत रिस्क है। तो फिर ये वो क्वेश्चंस क्या है, चलिए फिर शुरू करते हैं। गाइज, बहुत बेसिक क्वेश्चन से शुरू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो करना है आपको ट्रेनर से, वो ये कि व्हाट इज़ टेस्टोस्टेरोन। बहुत से ट्रेनर तो बस यही है कि बस उठाया और लगाया, उठाया लगाया, उन्हें पता ही नहीं है क्या ये। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही करना है कि टेस्टोस्टेरोन होता क्या है। और मेरे हिसाब से जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उन्हें अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि टेस्टोस्टेरोन होता क्या है। तो आपके पास भी इनफ नॉलेज होगी कि उसका टेस्ट करने के लिए कि कितना वो सही बोल रहा है, कितना वो गलत बोल रहा है, क्या वो सही बोल रहा है प्रॉपरली या नहीं, तो वहाँ से आप उसको जज कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन जो आपको करना है वो है कि एस्ट्रोजन क्या होता है, व्हाट इज़ एस्ट्रोजन। तो अगर वो आपको एस्ट्रोजन का सही आंसर दे देता है तो ठीक है, वरना आपको पता है बहुत सारी वीडियोस पहले से ही मेरी 2 या 3 वीडियोस जो एस्ट्रोजन के ऊपर रिलीज़ हो चुकी हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, आप जाके उन वीडियोस को देखिए ताकि आपको एस्ट्रोजन के ऊपर चीज़ें क्लियर हो जाएँ। तो जब आप उससे क्वेश्चन करेंगे तो वो आपको सही जवाब दे पाएगा, टाइप ऑफ एस्ट्रोजन क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, कौन सा कब रेज होता है, कौन सा कब ड्रॉप होता है, ये उसको पता होना चाहिए। तो उससे जो तीसरा क्वेश्चन आप करेंगे वो होगा कि व्हाट इज़ DHT, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन क्या है। क्योंकि जब आप स्टेरॉयड लेते हैं तो इनके लेवल्स में बड़ा चेंजेस आता है, और कई स्टेरॉयड तो DHT डेरिवेटिव्स ही हैं। तो आखिर क्या फ़ायदा है DHT का, क्यों चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, क्यों दे रहे हैं वो DHT डेरिवेटिव्स, या DHT होता क्या है। सही आंसर दे पाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि उस ट्रेनर को कुछ पता है, अदरवाइज़ भूल जाइए कि उन्हें कुछ भी मालूम है। क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, जो अपने आप को गुरुजी बोल रहा है उसको ये सब पता होना बहुत ज़रूरी है, वरना वो किसी कोई गुरुजी नहीं है, उसने बस गुरु ज्ञान चला रहा है, उसके गुरु ने उसको इंजेक्शन लगाया, वो आपको इंजेक्शन लगा रहा है। चौथा जो क्वेश्चन आपको उनसे करना है वो करना है कि ईस्टर्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ ईस्टर्स। अब वो बोलेंगे कि 99% चांसेस यही है कि आपको आंसर ये आएगा कि उन्हें खुद ही नहीं पता कि ईस्टर्स क्या होते हैं, फिर भी आप उनको ये बता दीजिएगा कि ये साइपोनेट, एनेंथेट, प्रोपियोनेट, ये जो इसके पीछे लिखा है इसका क्या मतलब है, ये क्या करते हैं। तो इसके ऊपर भी मेरा ऑलरेडी एक वीडियो रिलीज्ड है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा ईस्टर्स के ऊपर। तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि ईस्टर्स क्या होते हैं। फिलहाल उनके लिए जब वो वीडियो देख लेंगे तो आप उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं कि ईस्टर्स क्या होते हैं, क्या फ़ायदे हैं, कैसे काम करते हैं, क्यों काम करते हैं। उसके बाद अगला जो पांचवा क्वेश्चन आपको उनसे करना है वो करना है कि व्हाट इज़ रिसेप्टर्स, ये रिसेप्टर्स क्या होते हैं। तो जिन लोगों को रिसेप्टर्स के बारे में नहीं पता है, जब वो मेरा ईस्टर्स के ऊपर वीडियो देखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं। तो आप उनसे एक और क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कि व्हाट इज़ रिसेप्टर्स और ये कैसे काम करते हैं। अगर वो ठीक ठाक आंसर कर देता है तो आप एक बार के लिए रिस्क ले सकते हैं उस बंदे के साथ। मगर अगर वो इन बेसिक क्वेश्चंस के भी आंसर नहीं जानता है तो ऐसे बंदे के साथ एक स्टेरॉइड साइकिल चलाना बहुत रिस्की हो सकता है, क्योंकि उसे जब बेसिक्स ही नहीं पता है तो कैसे आपका एक स्टेरॉइड साइकिल चला सकता है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, ऐसे फालतू लोगों के चक्रों में मत पड़िए, ये क्वेश्चंस आप कीजिए, क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे आप मुझसे 500 क्वेश्चन कर लेते हैं रोज मैसेजेस में, ऐसे उनसे भी कीजिए ताकि उनको समझ में आए। जो क्वेश्चंस आपको मेरे से रहते हैं, आप मेरे से पूछते हैं ये कर रहे हैं हम, ये लगा रहे हैं, वो हटा रहे हैं, ये डाल रहे हैं, तो वो क्वेश्चन उनसे भी करिए कि आप ये डाल रहे हैं, ये हटा रहे हैं। जब मैं आपको जवाब देता हूँ मैसेजेस में कि ये इसलिए नहीं ले सकते आप, ये इसलिए नहीं ले सकते आप, इन दोनों को ऐसे कंबाइन करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो क्वेश्चन उनसे भी कीजिए। मैं आपको रीज़न भी देता हूँ कि क्यों कंबाइन नहीं हो सकता है, उनसे भी पूछिए कि क्यों कंबाइन नहीं हो सकता है, तभी तो आपको समझ में आएगा। और तभी उनको समझ में आएगा कि अब लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है। जब वो ढूंढेंगे तो प्रोबेबल चांसेस यही है कि
लोगों की लाइफ बचेगी, वो भी और पढ़ेंगे और सीखेंगे और स्कोप बढ़ेगा, मगर पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो उनको जो है आप प्लीज़ क्रॉस क्वेश्चनिंग करिए, तभी आप कोई ट्रेनर चुनिए, अदरवाइज मत चुनिए। तो अगला वीडियो है ट्रिप्टोलिन के ऊपर, तो स्टे ट्यून्ड फॉर द ट्रिप्टोलिन वीडियो ऑल्सो। और क्यू एंड ए आ रहा है, तो जिन लोगों ने अभी तक क्वेश्चन पोस्ट नहीं किए हैं अपने, वो प्लीज़ जाके कर दीजिए, क्यू एंड ए में उनके क्वेश्चंस का आंसर दे दिया जाएगा। कम्युनिटी के अंदर एक पहले से ही क्वेश्चन मैंने पोस्ट किया हुआ है। तो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गुड बाय।